हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि आप अगर बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम कार्ड है और आप एटीएम कार्ड लेकर के पिन बनाने जाते हैं एटीएम में, आप पिन बनाते हैं तो आपको क्या होता है कि आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर ओटीपी नहीं आता है। ठीक है, आप बार बार प्रयास कर चुके हैं, 3 बजे 4 बजे 3 दिन 4 दिन, लेकिन आपके नंबर पर ओटीपी नहीं आ रहा है। तो हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, उसका तरीका मेरे पास में है। मेरे साथ ऐसे ही हुआ था लेकिन मैंने ठीक कर लिया है। आपको भी ऐसे ही करना पड़ेगा, तभी आपका भी एटीएम से पिन बना सकते हैं, वरना नहीं बनेगा, आपको भी ये प्रॉब्लम अवश्य होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो गाइस इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फ्रेंड्स बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जो भी नया वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास में जा सके। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो भाई, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए, आपको कस्टमर केयर से बात करना पड़ेगा। तो उसका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से कस्टमर केयर का नंबर आप ले सकते हैं और उसे कॉल दिला सकते हैं। तो चलिए हम आपको सुनाते हैं लाइव प्रूफ कि उसमें क्या कहा है, हमने क्या किया है, ठीक है, कैसे हमने पिन बनाया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप भी इस तरीके से आजमा सकते हैं तरीका। ठीक है फ्रेंड्स, प्लीज सेलेक्ट द लैंग्वेज। फॉर हिंदी प्रेस 1, फॉर इंग्लिश प्रेस 2, फॉर रीजनल लैंग्वेजेस प्रेस। आपकी पसंदीदा भाषा है हिंदी, कृपया ध्यान दें कि हमारे आईवीआर मेन्यू के विकल्प बदल गए हैं। चयन करने से पहले कृपया विकल्पों को ध्यान से सुनें। डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक करने के लिए 1 दबाएं, अकाउंट बैलेंस के लिए 2 दबाएं, बैंकिंग सर्विसेज के लिए 3 दबाएं, सेल्फ पिन जनरेशन सर्विसेज के लिए 4 दबाएं, स्टॉक टेक पेमेंट अनुरोध के लिए 5 दबाएं, अन्य पिन सेट या रीसेट करने के लिए 1 दबाएं, डेबिट कार्ड पिन जनरेशन सर्विसेज के लिए 2 दबाएं, क्रेडिट पिन जनरेशन के लिए 3 दबाएं। कृपया प्रतीक्षा करें जब तक हम आपकी कॉल को हमारे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को हस्तांतरित कर रहे हैं। कृपया ध्यान दें कि यह कॉल प्रशिक्षण और गुणवत्ता प्रयोजन के लिए रिकॉर्ड किया जाएगा। नमस्कार, बैंक इंडिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम अर्चना, आपकी किस प्रकार की सहायता कर सकती हूँ? जी नमस्कार, बोलिए। जैसा कि एटीएम पिन बनाते हैं तो ओटीपी नहीं आता है नंबर पे। जी, जैसे कि आपने जो निश्चिंत रहिए, इस समय पूरी सहायता की जाएगी। आपका नाम जान सकती हूँ? जी, सुधीर सहनी जी। आप ही अकाउंट होल्डर बात करें बैंक ऑफ इंडिया के? जी जी। जैसे कि आपने बताना चाह रहे थे एटीएम पिन एक्टिवेट करवाना चाह रहे, तभी आपको ओटीपी रिसीव नहीं हो रहा, राइट? जी। अकाउंट नंबर अवेलेबल है आपके पास 15 अंकों का? जी। जान सकते हो अकाउंट नंबर? तो गाइस, यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर कस्टमर को शेयर करना है, वो आपसे पूछेंगे तो आपको अकाउंट नंबर सही सही उसे बता देना है। वो आपका डिटेल्स को चेक करेंगे अपने कंप्यूटर में वहाँ पे, तो आपको बताएंगे। फिर अब आप आगे यहाँ पे देखिए और सुनिए क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक मिनट के लिए कॉल होल्ड पर सकते हैं सर आपका? जी जी, धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, लाइन पर आप? जी जी जी। वेरिफिकेशन के लिए आपसे सवाल कर सकते हैं सुधीर जी? जी। पूरा नाम जान सकती हूँ? जी, सुधीर सहनी। सेविंग अकाउंट है क्या करंट अकाउंट? जी, सेविंग अकाउंट। सिंगल अकाउंट है क्या जॉइंट? सिंगल। एड्रेस जान सकते पिन कोड के साथ? जी जी, बोलिए। जी, आपसे पूछेंगे आपका एड्रेस, तो आपको अपना एड्रेस बता देना है सही सही, ताकि वो वहाँ पे मैच कर सके आपके अकाउंट के डिटेल्स में, तो भी आपका काम पूरा हो सकेगा। तो आपको टेंशन लेने का नहीं है, बता देना है। ठीक है फ्रेंड्स, हम इसे कट कर दिए हैं क्योंकि हम अपना एड्रेस आपको शेयर नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम इसे कट कर दिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए अब वो हमसे क्या पूछेंगे, मोबाइल में पूछेंगे। आपका मोबाइल नंबर जान सकती हूँ? जी, 72 72 56। वेरिफिकेशन देने के लिए धन्यवाद सर। सुधीर जी, जैसे कि आपने जो बताना चाह रहे सर, आपका अकाउंट है ना फ्रीज हुआ है सर, आपको एटीएम कार्ड कब मिला जान सकती हूँ? जी, एटीएम 1 महीना पहले आया है घर पे सर। जैसे कि है ना आपका अकाउंट है ना फ्रीज हुआ, केवाईसी अपने अकाउंट अनफ्रीज करने के लिए ब्रांच में विजिट कीजिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक लेके जाइए साथ में, 2 वर्किंग डेज में अनफ्रीज किया जाता है खाता। ओके, जी। केवाईसी हम करवाए थे, केवाईसी कराने के बाद हम एटीएम के लिए अप्लाई किए थे। जी, जैसे कि हमने जो बताना चाह रहे केवाईसी, जैसे कि फ्रीज हुआ था खाता,
अनफ्रीज करने के लिए ब्रांच में विजिट कीजिए। अभी तक अपने कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, एटीएम मशीन के थ्रू कैश भी नहीं निकल सकते, इसलिए आपको ओटीपी रिसीव नहीं हो रहा सर। ओके जी, इसलिए जैसे कि आपने बताया था सर, ओटीपी रिसीव नहीं हो रहा है करके एटीएम पिन चेंज करने के टाइम, इस रिगार्डिंग हमने जो सब जानकारी बताया, आपका अकाउंट फ्रीज हुआ ना सर, इसलिए आपको ओटीपी रिसीव नहीं हो रहा। ओके जी, इस अलावा और कोई सहायता? तो जी, केवाईसी कराने के लिए बैंक में जाना होगा, ब्रांच पे ना? जी, होम ब्रांच में विजिट कीजिए आप। ओके जी, ठीक है। इस अलावा और कोई सहायता? जी नहीं जी, स्मॉल रिक्वेस्ट है, आपका कल हमारे फीडबैक सिस्टम पर ट्रांसफर किया जा रहा है। 1 से 5 के बीच में आप रेटिंग दे सकते हैं, 1 सबसे कम, 5 सबसे ज्यादा। अगर आप हमारे दी गई जानकारी से संतुष्ट है तो 4 या 5 सेलेक्ट कीजिए। बैंक ऑफ इंडिया में संपर्क करने के लिए धन्यवाद। 4 या 5 सेलेक्ट कीजिए सर। ओके धन्यवाद सर। कृपया अपनी संतुष्टि का स्तर हमारे ग्राहक सेवा प्रतिनिधि द्वारा प्रदान किए गए अपना मूल्यवान फीडबैक हमारे साथ साझा करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आप लोग का भी ऐसा प्रॉब्लम आ चुका है तो आप लोग भी बैंक में जाइए और अपने अकाउंट को पहले अनफ्रीज कराइए। आपका भी अकाउंट फ्रीज हो चुका होगा तो आपको भी ओटीपी नहीं आता होगा एटीएम की पिन बनाते समय। वो क्या होता है कि आप जो खाता खुलवा करके छोड़ देते हैं तो वो खाता को बैंक वाले ऊपर से ही उसे फ्रीज कर देता है, तो उसको केवाईसी करना पड़ता है फिर से। जैसे कि हम ब्रांच पर गए तो हमसे डॉक्यूमेंट्स मांगा गया, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड और आधार कार्ड मांगा गया और पासबुक का जेरॉक्स भी मांगा था। तो हम सभी का जेरॉक्स कराए और एक एप्लीकेशन हमने लिखा, तो एप्लीकेशन हमें लिखने नहीं आता, तो बैंक के पास में कोई दुकान होता है उसमें एप्लीकेशन मिल जाता है। आप वहां से एप्लीकेशन परचेज करके उसे फिल करके आप जमा कर सकते हो। तो 3 दिन के बाद में आपका अकाउंट अनफ्रीज होगा तो आप फिर से एटीएम का पिन बना सकते हैं, यानी कि जनरेट कर सकते हो और आप अपना काम कर सकते हैं, एटीएम का कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है सर, तो ये जानकारी आपको अच्छा लगा है तो करिए चैनल को सब्सक्राइब और फ्रेंड्स बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जो भी नया वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास में जा सके। ठीक है फ्रेंड्स।